रात्रि को 2 बजे लगभग बेउर थाना अंतर्गत बेउर मोड़ के पास सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी टेलीकॉम टावर से बैटरी चोरी कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों को देख के अपराधकर्मियों ने वहां से भागने की कोशिश की और उसी क्रम में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी किया। फायरिंग के क्रम में उनके द्वारा एक गोली थाना के पदाधिकारी SI फुलन राम को लगा। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेलगाम आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। अपराधियों में थोड़ा भी अब खौफ नहीं बचा है। बता दें कि राजधानी पटना के बेउर थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने दरोगा को गोली मार दी। दरोगा फुलन राम के दाहिने हाथ में गोली लगी, लेकिन वो घायल अवस्था में भी पुलिस टीम के साथ में बदमाशों को धर दबोचने में सफल हो गए। बता दें कि इस दौरान एक बदमाश फरार होने में सफल रहा। दरअसल 7 की संख्या में बदमाश टेलीकॉम टावर में बैटरी चोरी कर रखे थे। इसी दौरान वहां से दरोगा फुलन राम पुलिस टीम के साथ सूचना मिलने पर पहुंचे थे। पुलिस को देख बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली दरोगा के हाथ में लगी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं फरार 4 बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरोगा पर फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। बता दें कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि टेलीकॉम टावर में कुछ लोग चोरी के मकसद से दाखिल हुए हैं, तो पुलिस वहां तुरंत पहुंची। पेट्रोलिंग टीम भी वहां पहुंची। बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली दरोगा को लगी, जिसके बाद पुलिस टीम ने गिरोह के 3 बदमाशों को जकड़ लिया। मौके से पुलिस ने कई बैटरी, 1 पिस्टल भी बरामद की है, जबकि 4 बदमाश भागने में सफल रहे। दरोगा को इलाज के बाद डॉक्टरों ने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है। वहीं फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। इधर आपको बता दें कि जो 3 बदमाश हिरासत में लिए गए हैं, अब इनसे भी बातें उगलवाने की कोशिश की जा रही है और इनके ही निशानदेही पर बाकी बदमाशों को पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट NewsPR लाइव पटना। दिनांक 24 और 25 की रात्रि को 2 बजे लगभग बेउर थाना अंतर्गत बेउर मोड़ के पास सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी टेलीकॉम टावर से बैटरी चोरी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए डायल 112 और थाना गश्ती दल वहां पर पहुंचा। पुलिस की गाड़ियों को देख के अपराधकर्मियों ने वहां से भागने की कोशिश की और उसी क्रम में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी किया। फायरिंग के क्रम में उनके द्वारा एक गोली थाना के पदाधिकारी SI फुलन राम को लगा। अभी जो दाहिने हाथ में उनको गोली लगा है, डॉक्टर ने उसको खतरे से बाहर बताया है और वो जल्दी डिस्चार्ज भी कर दिए जाएंगे। अपराधकर्मियों के क्रम में भागने के क्रम में 3 को खदेड़कर पुलिस के द्वारा उसी समय पकड़ लिया गया। अन्य 4 जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं, उनके खिलाफ छापेमारी जारी है। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा जो गोली लगा है उसको बरामद कर लिया, साथ ही 3 जिंदा कारतूस और 1 पिस्टल को बरामद किया है। साथ ही जो बैटरियां खोलने के क्रम में जो ले जाई जा रही थी उनको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।